हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं इंडिया से जर्मनी। हम लोग 3 महीने के बाद आए हैं यहाँ पर घर पर। तो हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझे सारा का सारा फिर से रीअरेंज और क्लीन करना पड़ा, एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। सो आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं इंडिया से क्या क्या लेके आई थी, ग्रोसरी आइटम और बहुत सारी चीज़ें। सामान इतना ज़्यादा था कि मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ी, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। इस पार्ट में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ग्रोसरी आइटम लेके आई थी और भी किचन का क्या क्या सामान लेके आई थी, यूटेंसिल्स क्या लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कपड़े लेके आई हूँ मेरे लिए और अनुराग के लिए। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ 2 तेज़पत्ते के पैकेट, कसूरी मेथी के 3 पैकेट लेके आई हूँ। कसूरी मेथी मैं सब्जियों में बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 पैकेट लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ 2 जीरे के पैकेट, ये अराउंड 100 ग्राम के पैकेट थे, तो मैं स्मॉल साइज ही लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ 1 पैकेट दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो मैं इसका पाउडर बना के इसको यूज करूँगी। देन मैं लेके आई हूँ 1 पैकेट काली मिर्च। काली मिर्च सैलेड वगैरह में काफ़ी यूज़ हो जाती है मेरे यहाँ पे। देन उसके बाद मैं लेके आई हूँ 1 पैकेट कलौंजी। कलौंजी मैं मेनली पराठों में डालने के लिए और अचार में डालने के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ सौंफ के 2 पैकेट। सौंफ को मैं यूज़ करती हूँ तड़के में, और सौंफ का पानी भी मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ मॉर्निंग टाइम के लिए। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ अजवाइन का 1 पैकेट। अजवाइन भी मैं पानी, अजवाइन का पानी बहुत पीती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूँगी और सब्जियों में बहुत अच्छा होता है, और कढ़ी में मेनली मैं यूज करती हूँ। उसके बाद मैं लेके आई थी राई। राई भी मैं कढ़ी के लिए मेनली लेके आई हूँ और अचार के लिए। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ अलसी का 1 पैकेट। अलसी मैंने कभी पहले कभी खाया नहीं है, तो इसलिए मैं 1 पैकेट लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आगे और भी लेके आऊँगी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ साबुत धनिया। ये मैं धनिया पाउडर घर पर बनाने में यूज करूँगी। मैं 1 पैकेट लौंग का भी लेके आई हूँ चाय और तड़के में डालने के लिए। उसके बाद मैं लेके आई हूँ 1 पैकेट मेथी मेनली अचार के लिए। सब्जी में मुझे मेथी डालना इतना पसंद नहीं है, तो मैं अचार में यूज करूँगी सिर्फ इसको। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ पोहा। पोहा यहाँ पर मैं 4 से 5 पैकेट लेके आई थी, लेकिन मेरे पास बैगेज इतना ज़्यादा हो गया था, ओवरवेट हो गया था, तो मुझे पोहे के पैकेट निकालने पड़े और मैं सिर्फ 1 ही लेके आई थी। नेक्स्ट है कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च में बड़ा पैकेट लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ रिन बार। मुझे कुछ हैंड टावल और किचन टावल हाथ से धोने होते हैं, तो लिक्विड डिटर्जेंट में इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, तो उसके लिए मैं 1 रिन बार भी लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ओरिगेनो बॉटल। यहाँ पर ओरिगेनो मिलता है, बट जो इंडिया में मिलता है वैसा सेम नहीं मिल पाता, तो मैं इंडिया से 2 पैकेट लेके आ गई। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्लीनिंग में और खाने में बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पे काफ़ी बोतल लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ यहाँ पे चाट मसाला के 2 पैकेट। चाट मसाला तो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है मेरे पास। नेक्स्ट है इंदुलेखा का ऑयल और शैम्पू। हम लोग यही यूज करते हैं मोस्टली, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ टूथपिक। नेक्स्ट है हींग की 1 स्मॉल बोतल तड़के के लिए, और उसी के साथ मैं बेकिंग पाउडर भी लेके आई हूँ कुछ बॉटल्स क्लीनिंग और बेकिंग के लिए। नेक्स्ट आइटम है ऑयल पेन के लिए और खांसी का सिरप। ये सीरी सीरी का है, दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना आप लोग। ये सब एक्स्ट्रा बोतल है बेकिंग सोडा की जो मैं लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ सनस्क्रीन एक्वालॉजिक की। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन है, और मैं इसके 2 या 3 पैकेट लेके आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ गुड़ खाने के लिए। ये मेरी मम्मी और पापा लेके आए थे, उनको है कि ठंडा है, ठंड में रोज़ जब गुड़ खाया करो रात के टाइम, तो ये 1 किलो वो उन्होंने पहले से ला के रख रखा था। उसके बाद नेक्स्ट है बूंदी के पैकेट। मैं 3 से 4 मसाला बूंदी के पैकेट लाई हूँ स्पेशली अनुराग के लिए, उसको हर चीज़ में डालकर खाना होता है। साथ में मैं नॉर्मल बूंदी भी लेके आई हूँ मेरे लिए रायता बनाने के लिए। उसके बाद दाल, ये दही बड़े वाली दाल है, मैंने कभी बनाया नहीं है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करूँगी दही बड़े बनाना यहाँ पर। नेक्स्ट है मखाने का 1 पैकेट। नेक्स्ट है ये बूरा। जो लोग हरियाणा से उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पर घी बूरा कितना खाया जाता है, और बींग हरियाणवी बूरा तो लेकर आना ही था। ये भी मम्मी पापा ने पहले से ला के रख रखा था। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ बाजरे का आटा। ठंड के टाइम में मेरे घर पर डेली बाजरे की रोटी बनती है, तो मैं यहाँ से फ्रेश घर का बना हुआ बाजरे का आटा लेकर आई हूँ यहाँ पर भी बाजरे की रोटी बनाने के लिए। नेक्स्ट ये है तिल। इसको मैं काफ़ी चीज़ों में यूज करने वाली हूँ, वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।
जर्मनी में हमारी लाइफस्टाइल, फूड रेसिपीज के बारे में जानने के लिए आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैंने सारा सामान वापस बैग में डाल दिया क्योंकि अभी बहुत सारा सामान है जो और भी दिखाना है। नेक्स्ट है कश्मीरी लाल मिर्च के पैकेट, मैं यहाँ पर 3 पैकेट लेकर आई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है पाव भाजी मसाला, अमचूर मसाला, अमचूर के मैं 3 पैकेट लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर देखा इंडियन स्टोर में अमचूर पाउडर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बर्तन वगैरह पे, यहाँ सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ट्रे, सर्विंग प्लेट और 4 चटनी के लिए स्मॉल बाउल। हम लोग रेवाड़ी गए हुए थे मार्केट में, तो मुझे वहाँ पे ये दिख गए थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। उनके पास काफ़ी चीज़ें थी पर मैंने यही सब 3 चीज़ें ही ली। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ सर्विंग स्पून, मैं 2 लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पर भी काफ़ी देखा था सर्विंग स्पून लेकिन मुझे अच्छा मिल नहीं रहा था तो मैं इंडिया से लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ पीलर, मेरे पास ऑलरेडी है 2 बट दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं चलते हैं तो इस बार मैं इंडिया से लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ सिलिकॉन मैट, इसको भी मैं यूज करूँगी बेकिंग में। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बेकिंग की वीडियोज भी आने वाली है, मैं बेकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें लेके आई हूँ इंडिया से। नेक्स्ट है वुडन स्टिक, इसको मैं पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का वगैरह बनाने के लिए यूज करूँगी। इनकी रेसिपी जल्दी मेरे चैनल पर आ जाएंगी। नेक्स्ट है ये बेलन, मेरे पास ऑलरेडी एक बेलन था लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा रखना चाह रही थी फॉर सेफर साइड के लिए तो मैं एक और ले आई। नेक्स्ट है मसाला दानी, ये बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। इसमें एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन भी है अंदर में लगाने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मसाला दानी मैंने ऑनलाइन भी देखी थी अमेजोन वगैरह पे लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं ये अपने यहाँ पर लोकल मार्केट रेवाड़ी में से एक बर्तन की दुकान थी जहाँ से मैंने मोस्टली सारे ही बर्तन खरीदे हैं वहीं से लेके आई थी। इसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ छलनी, मैं यहाँ पर 2 छलनी लेके आई हूँ। यहाँ पर भी छलनी मिलती है पर यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं मिलती है क्वालिटी की तो मैं इंडिया से ही 2 लेके आ गई, मेरे पास ऑलरेडी 1 थी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ घी डालने के लिए ये घीलड़ी, एटलीस्ट हरियाणा में घीलड़ी बोलते हैं हरियाणवी में तो, और या फिर घी धानी भी बोल सकते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको मुझे ज़रूर बताना। ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी छोटी सी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ 5 कटोरियाँ मीडियम साइज़ की, ये मैं स्पेशली थाली रेसिपीज बनाने के लिए लेके आई हूँ। इसके साथ में मैं सेम डिज़ाइन का ही एक ग्लास भी लेके आई हूँ स्टील का, साथ में एक बड़ी प्लेट भी है वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ मेजरिंग स्पून और बाउल का सेट, ये सब बेकिंग के लिए लेके आई हूँ। आगे बेकिंग की भी बहुत सारी वीडियो आएगी, जैसा मैंने पहले सिलिकॉन मैट भी लिया है ये भी लेके आई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई, साथ में इसके ढक्कन भी है, ये मुझे स्टील में ही चाहिए था और मैंने यहाँ पर भी देखा था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे ये था कि जब भी मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं एक स्टील की मीडियम साइज़ की कढ़ाई लेके आऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी एक नॉनस्टिक कढ़ाई है बट वो थोड़ा बड़े साइज़ में थी तो मुझे मीडियम साइज़ की चाहिए थी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ तांबे का लोटा, इसमें रात में पानी डालकर रख देती हूँ और मॉर्निंग में हम लोग पी लेते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप भी ज़रूर पिया करें। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये स्टैंड जाली टाइप का, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं रोटी सेकने के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर प्लेट से खाना बनाने के लिए तो उसमें मुझे तवे पर ही रोटी सेकनी पड़ती थी तो मैं उसी के लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेके आ रही हूँ मीडियम साइज़ का एक स्टील का फ्राई पैन, उसके बाद मैं लेके आई हूँ गोल्डन स्पून का सेट, ये मुझे बर्तन की दुकान पर दिख गई थी लगी हुई तो मैं लेके आ गई। उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको थाली जो मैं लेके आई हूँ रेसिपीज़ के लिए। थाली के लिए मैं कटोरी और ग्लास भी लेके आई हूँ, पूरा प्लेट के साथ सेट बना रही हूँ। नेक्स्ट है ये फ्रीज ऑर्गेनाइजर, इसमें 3 डिफरेंट स्पेस है सामान रखने के लिए, इसमें हम अलग से धनिया मिर्ची और अदरक रख सकते हैं, इसके साथ में ढक्कन भी है इसको कवर करके रख सकते हैं फ्रिज में। अब धनिया मिर्ची अदरक की अलग अलग से 3 डब्बे रखने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही तीनों अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ 6 कंटेनर का सेट फ्रीज के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
इन सब में नीचे में जाली है प्लास्टिक की, उसी सब्जी वगैरह जो भी उसमें मॉइस्चर होता है वो सेपरेट हो जाएगा, वो सब्जी से टच नहीं होगा तो सब्जी ख़राब भी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा था, तो मैं इसका एक पूरा सेट लेके आई 6 का। ये मैंने अमेजोन से ही ख़रीदे दोनों ही, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये स्मॉल साइज़ का ग्राइंडर, मसाले और कम क्वांटिटी में प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह ग्राइंड करने के लिए। उसमें मुझे बड़े वाले में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, तो मैं ये छोटे साइज़ का लेके आई हूँ। इसमें दो डिफरेंट साइज़ के जार भी हैं और इनके साथ लिड भी है, जिसे दोनों को हम एक कंटेनर की तरह यूज कर सकते हैं। अब इन सबको साइड रखते हैं, जिससे नेक्स्ट चीज़ों के लिए स्पेस बन सके। नेक्स्ट मैंने लिया ये रंगोली कलर का सेट, इसमें से एक खुल गया था तो मेरा एक कलर ऑलमोस्ट आधा रह गया है। पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो उनको ही सेलिब्रेट करने के लिए अपने तरीके से मैंने ये सब लिया है। मैंने लिया एक डेकोरेटिव फ्लावर का सेट, दो मैंने लिए हैं ऑरेंज कलर के, दो मैंने लिए येल्लो कलर के। ये सब मैंने इंडिया में दिवाली के टाइम पर ही ख़रीद के रख लिए थे, क्योंकि उस टाइम पर ही पूरा फेस्टिवल वाइब थी और सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने तभी ये सब खरीद के रख लिया था जर्मनी लाने के लिए। उसके बाद मैंने दो और लड़ियाँ ली थी, इन सबको कोई फेस्टिवल आएगा उस पर हम लोग डेकोरेट करेंगे घर में। नेक्स्ट मैंने लिए एक 3 दिए, ये बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैंने ले लिए, अब इनको किसी फेस्टिवल पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर जर्मनी में अपना एक पूजा घर सेटअप कर रही हूँ, तो मैं इंडिया से बहुत सारा पूजा का सामान लेके आई हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैंने ये लिया रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा, इसको मैं नीचे लगाने में यूज करूँगी, ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। इसके बाद मैंने लिया था मालाएँ भगवान जी को पहनाने के लिए, मैंने 4 ही मालाएँ ली थी। अब इनको हम जब अपना मंदिर सेट करेंगे तो भगवान जी को पहनाएंगे। मंदिर सेटअप की वीडियो भी मेरे चैनल पर जल्दी ही आएगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिया ये वुडन का धूप बत्ती का स्टैंड, ये मैंने अमेजोन से ही लिया था। पहले मैंने एक और मंगवाया था, वो बहुत छोटे साइज़ का था, तो फिर मैंने दूसरा मंगवाया था, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है टीका लगाने के लिए रोली। अभी आगे मेरी सारी चीज़ें मंदिर से रिलेटेड आने वाली हैं, जैसे कि अभी ये रोली होगी। इसके बाद मैंने लिया था धूप बत्ती का पैकेट, ये सब मैंने रेवाड़ी से ही लिया था। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ पूजा करने के लिए दिया, उसके बाद मैं लेके आई हूँ प्लेट भगवान जी को भोग लगाने के लिए, साथ में उसमें 2 कटोरियाँ हैं, एक ग्लास है और चम्मच है। ये सब मैं अमृतसर से लेके आई थी, हम लोग फैमिली ट्रिप पर गए थे अमृतसर, तो मैं वहीं से लेके आई थी। उसके बाद मैं लेके आई हूँ घंटी, ये भी अमृतसर से लेके आई थी। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ बहुत सारी बाती पूजा करने के लिए, कि मैंने आई थिंक 5 या 6 पैकेट लेके आई हूँ, जिसमें एक में 50 के अराउंड है, तो मैं बहुत सारी लेके आ गई। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ अगरबत्ती का एक पैकेट, ये मैं लेके आई हूँ ओम का साइन मंदिर के लिए, ये मैंने अमृतसर से ही लिया था, वहाँ पर हम लोकल मार्केट में घूम रहे थे तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं ये लेके आई थी। नेक्स्ट है ये भगवान जी की मूर्तियाँ, यहाँ पर मैं लेके आई हूँ गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति और राधा कृष्ण जी की मूर्ति। साईं बाबा की मूर्ति मेरे पास ऑलरेडी थी तो मैं वो नहीं लेके आई। अभी मैं जल्दी ही अपना मंदिर सेटअप करने वाली हूँ यहाँ पे, और उसकी वीडियो भी आएगी मेरे चैनल पर, तो अभी कभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसकी वीडियो देख पाएँ, और एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आने वाली है चैनल पर। ये नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ गणेश जी की मूर्ति, ये मार्बल की बनी हुई है,
ये मैंने लिया था जैसलमेर से, वहाँ पर ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रीट मार्केट टाइप का लगा हुआ था, तो वहीं पर बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे के सारे मार्बल की बनी हुई थी, इसके बैठने का जो है ये भी मार्बल का बना हुआ था और गणेश जी की मूर्ति भी मार्बल की बनी हुई थी, तो मैंने अपने मंदिर के लिए भी एक इसका सेट ले लिया। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं इंडिया से और क्या लेके आई हूँ। उसमें मेनली मैं कपड़े वगैरह दिखाऊंगी कि मेरे और अनुराग के लिए हम लोग क्या क्या कपड़े वहाँ से खरीद के लाए हैं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे।